हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रिव्यू पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए वैकेंसीज़ के बारे रिलेटेड हम लोग जॉब अपडेट लेके आ रहे हैं, जिसमें वैकेंसीज़ हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और इसमें जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो आपके इसमें मैं बताऊँगा, और इस वीडियो में बताऊँगा कि ये जो रिक्रूटमेंट है विदाउट गेट गेट के थ्रू होने वाला विदाउट गेट होने वाला है, एक एक्सिबिटी होगा, और कितने सारे पोस्ट हैं, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्राइटेरिया क्या है, और एग्ज़ाम डेट कब होगा, और इसकी फ़ीस क्या है। तो ये जो भी रिक्रूटमेंट है विदाउट गेट होने वाला है। पहले जितने बार भी अभी 3-4 साल से जो रिक्रूटमेंट हुई है इसमें गेट के थ्रू हुई है, लेकिन इस बार इन्होंने इसे विद सीबीटी और एक इंटरव्यू स्टेज के थ्रू लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जो रिक्रूटमेंट है उसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो कि आप मेरे एडवर्टाइजमेंट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ब्रांचेज जो एलिजिबल हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, HR, फाइनेंस, तो ये 4-5 वे ब्रांचेज हैं जो कि एलिजिबल हैं। और मैकेनिकल में थोड़ा ज़्यादा सीट्स इस बार दिया गया है विद कंपैरिजन टू द अदर ब्रांचेस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 145 पोस्ट हैं, और मैकेनिकल में आपको लगभग 40 सीट्स मिलेंगी आपको, और इलेक्ट्रिकल में 30 हैं टोटल में, सीट्स बात कर रहा हूँ। सिविल में आपको 20, केमिकल में आप यहाँ पे आप पूरे जितने भी पोस्ट्स हैं वो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। तो ये लगभग 40 सबके एवरेज देखा जाए तो 35-40 आपको मिल ही जाएगा, सब जगह पोस्ट है। सिविल में 20 है, केमिकल में 10 है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट नाम है जो HR, फाइनेंस और BTech वाले एलिजिबल हैं। तो जो भी उन्होंने भी जिन लोगों ने भी BTech किया है और HR से रिलेटेड उनका क्वालिफिकेशन है वो लोग इस ब्रांच के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए हम लोग चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से एजुकेशनल नेसेसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ एज लिमिट क्या है। आइए, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए फुल डिग्री, फुल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 5 ईयर मास्टर डिग्री होना चाहिए, डुअल डिग्री भी माना जा सकता है। और इनका एज लिमिट लिख दिया गया है 27 ईयर्स होना चाहिए फॉर, और 29 ईयर्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है, और अलॉन्ग विद दैट फ्रेंड्स ये भी बात रहेगी, आपका 60% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स आपके सेमेस्टर्स में, ओके। और जिन्होंने भी अगर यहाँ पे HR वालों के लिए है 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स, ओके, विथ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। और इनका जो एज लिमिट है आपका 29 ईयर्स होना चाहिए, ये मुझे लगता है जनरल वालों के लिए है एज लिमिट, और OBC वालों के लिए प्लस माइनस 3% जो 3 ईयर होता है वो वैलिड रहता है, ओके। तो एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंस के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया है फुल टाइम बैचलर डिग्री विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स। तो ये जितने भी रिक्रूटमेंट है आपका विदाउट गेट होने वाला है, और इसमें जितना भी है कैंडिडेट्स इन पोजिशन टू प्रोड्यूस देयर डिग्री और फाइनल ईयर मार्कशीट्स बाई 1 जुलाई एट द इंटरव्यू विच एवर इज अर्लियर। मतलब हो सकता है ये फाइनल ईयर वाले अगर एलिजिबल इसमें नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसमें लिखा है कि उन लोग केपेबल हो कि वो अपने फाइनल मार्कशीट पोस्ट कर सके 1 जुलाई 2018 से पहले तक। तो जिन लोगों का भी अगर पोस्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये इसमें सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए बात करते हैं इसमें दे दिया गया है कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं एकदम मैकेनिकल ब्रांचेस में। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनोट्रॉनिक्स, ये आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी बहुत सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, और जिनमें अलाइड ब्रांचेस जो भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, तो इस टाइप के जो भी है आपको एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, HR वालों के लिए भी दे दिया गया है पर्सनल वर्क्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क, HRM, जो भी उनके रिस्पेक्टिव हैं वो अपने तरफ से देख सके। फाइनेंस के लिए भी दिया हुआ है CA एंड ICWA, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी है आपका एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि आपके पोस्ट आपको किस पोस्ट में क्या है कैसा है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। SC ST के लिए रिलैक्सेबल एज आपका 5 ईयर्स है, OBC के लिए आपका 3 ईयर है, ठीक है। और आपका जो भी EWS हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स रेडी रखें रिजर्वेशन के लिए। और भाई BHEL का सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, BHEL का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, वो आपका पहला CBT होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टेज होगा CBT 1 के लिए। CBT 1 में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फॉर शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको इनिशियली रेशियो 1:7 आपको कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, 1:7 का रेशियो रहेगा फ्रेंड्स। और जो वेटेज होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका 75% आपका एग्जामिनेशन स्कोर होगा, 25% आपका इंटरव्यू स्टेज होगा। तो ये रहा आपका पूरा
आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 75% वेटेज आपका एग्जामिनेशन में और 25% वेटेज आपका इंटरव्यू स्टेज में। तो आइए चलिए बात करते हैं जो ट्रेनिंग और रिमॉलमेंट जो होगा इसमें जो बेसिक पे आपको सैलरी जो पैकेज आपको मिलने वाला है आपका बेसिक अराउंड आपका बेसिक पे जो रहेगा 50,000 के आसपास रहेगा जो कि बहुत अच्छे ग्रेड पे माना जाता है। तो आपका लगभग बेसिक पे जो भी इंजीनियर के बेसिक पे आपका 60,000 तक आपका रहेगा उन लोगों के लिए जो कि इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव में रहेंगे। तो ये सब आपका जब ये अब्सॉर्ब हो जाएंगे जब आप ट्रेनिंग आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपका बेसिक पे आपका 50,000 से 60,000 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा डिटेलिंग और आप आइए हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम डेट और कब इसका एग्जाम डेट होने वाला है, एग्जाम कब होगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से होगा। तो इन्होंने ये भी दे दिया गया है। तो फॉर्म का जो भरने का जो फीस होगी 500 फीस है विथ प्रोसेसिंग फीस और ₹300 प्लस GST, मतलब लगा जाए तो आपको 900 के आसपास आपका फीस वही लग ही जाएगा। तो ये इस टाइप का आपका फीस का पूरा प्रोसेसिंग है और ओपन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 16 अप्रैल से, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा 10 PM से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट आपका 6 में है। तो जिन लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से फॉर्म भर दें, 16 अप्रैल के बाद से स्टार्ट कर दें। और लास्ट डेट और ऑनलाइन पेमेंट आपका 8 में रहेगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है 15 और 26 में डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन था और इसके बारे में जो भी फर्दर कम्युनिकेशन और स्टडी मटेरियल जो भी हमारे पास रहेगा हम आपको डिटेल कम्युनिकेट करेंगे, हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। और तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये सब इंपॉर्टेंट आपको जॉब अपडेट हम लोग रेगुलर लेते आएंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।